Good morning students. आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे शेप्स के बारे में. ठीक. शेप्स मीन्स क्या होता है? आकार. ठीक है. हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं विभिन्न आकार में होते हैं, है ना. कोई गोलाकार होता है, कोई त्रिभुजाकार होता है, कोई वर्गाकार होता है, कोई आयताकार होता है ना, कोई अर्धगोलाकार होता है. इस प्रकार हम लोग अलग अलग प्रकार के शेप्स को पढ़ेंगे. ठीक है. तो आज हम लोग शेप्स देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग बनाते हैं और उसका नाम क्या है, और उसको हम लोग याद रखेंगे और सीखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग शेप में देखते हैं. नंबर वन, ये क्या है? गोलाकार है ना. इस शेप्स का नाम क्या होता है? सर्कल. ठीक है. इसको हम लोग सर्कल कहते हैं, CIRCL. ठीक है. इसका नाम क्या हो गया? सर्कल. ये गोलाकार हो गया. ठीक है. दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, ये किस आकार में है? त्रिभुज के आकार में. तीन भुजा है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है? त्रिभुज. इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रायंगल. TRIANGLE. ठीक है. ये हो गया ट्रायंगल. इसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं. ठीक है. इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं, ये जिसकी चारों भुजा बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल, इज कॉल्ड स्क्वायर. तो ये भुजा जो है ये चारों बराबर है. ठीक है. तो इस आकार को हम लोग वर्गाकार कहते हैं, या फिर इसको स्क्वायर कहते हैं, SQUARE. ठीक है. इसका नाम क्या है? स्क्वायर. दूसरा हम लोग फिर देखते हैं, ये दो आमने सामने की भुजा बराबर होती है. ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है. इसको हम लोग कहते हैं आयताकार. यानी इसका इंग्लिश नेम है रेक्टेंगल. इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल. ठीक है. और दूसरा भी हम लोग देखते हैं, ये अंडाकार होता है, अंडा के आकार होता है. अंडा पूरा गोल नहीं होता है ना. तो इसको हम लोग कहते हैं अंडाकार है. इसको क्या कहते हैं? ओवल. OVAL. इसका नाम हो गया ओवल. ठीक है. और फिर हम लोग देखते हैं आगे और कुछ आकार के बारे में. ये इसको हम लोग कहते हैं क्यूब. इसको क्या कहते हैं? क्यूब. और फिर एक रेक्टेंगल के आकार का होता है,
करता है क्यूबाइड है, इसको क्या कहते हैं क्यूबाइड कहा जाता है। तो ये आकृति है और इसको जानना जरूरी होता है। और कुछ आकृति होता है जैसे ये एक आकृति है ना, इसको हम लोग एक शेप्स है, इसका नाम होता है स्टार, इसको हम लोग स्टार कहते हैं, ठीक है। फिर एक होता है का नाम होता है फॉन, सी ओ एन ई है ना, इसको क्या कहते हैं फॉन कहा जाता है। फिर और कुछ आकृति है, तो इस तरह से बहुत सारे आकृतियां होती है जो हम लोग मैथ में उसके अभी सिर्फ नाम सीखेंगे और जानेंगे इसका शेप, जो वस्तु होता है। जैसे तुम आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम जो होता है वह किस आकार का होता है, वह कॉनिकल होता है ना, वह इस आकृति का होता है, ऊपर में चौड़ा गोलाकार होता है और नीचे गोलाकार पतला होता है, जैसे ये होता है तो इसको कॉनिकल कहते हैं, है ना। जैसे ब्लैक बोर्ड होता है तो ब्लैक बोर्ड का आकृति कैसा होता है, वह रेक्टेंगुलर होता है, यानी वह आयताकार होता है, इस तरह होता है ना। ये लंबाई अधिक होता है और चौड़ाई कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग और देखेंगे, जैसे इसको हम लोग एक जो पूरा सर्कल था उसको हाफ कर दे, तो हाफ को क्या कहा जाता है, सेमी सर्कल, एस ई एम आई, सेमी सर्कल, ये हो गया सेमी सर्कल, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग आगे और देखेंगे और चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये कितने आकार के होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, और हम लोग ठीक है, आज हम लोग शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इतना ही इसको अच्छी तरह से याद करना है, स्पेलिंग सही सही लिखना है, और इसलिए इसके लिए क्या करना होगा, तो स्पेलिंग लगाकर इसको पढ़ना है और फिगर बना करके फिर बाद में उसका नाम लिखना है, देख के पहले लिखना है, फिर उसके बाद फिगर बना करके फिर कॉपी या फिर बुक को बंद करके फिर हम उसको बिना देखे लिखेंगे, ताकि हमको उसका स्पेलिंग सही से याद हो जाए, और फिर हम अगले क्लास में तुम लोगों से CW यानी क्लास वर्क में ये तुम लोगों से बढ़वाएंगे, ठीक है। थैंक यू।